नमस्कार दोस्तों, एक थोड़ी सी दिक्कत होती है कनेक्ट करने में। वैसे तो मोदी जी ने कहा था कॉल ड्रॉप्स वगैरह नहीं होंगे, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी, पर आप जानते हैं कि असलियत क्या है। हम सब ये कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम्स को रोज़ फेस करते ही हैं। और देखिए, इतनी सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, और अभी हम बात करेंगे जो ये गठबंधन वाली सरकार है वो क्या होती है, वो क्यों आवश्यक है, या हो सकता है कि आप कहें कि आवश्यक नहीं है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि आजकल तो हाय रे ये कैसा प्राणी रे, कुछ भी बक दे कुछ भी कह दे कुछ समझ ना आए रे। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून मनोहर सिंह जी। जी तो हम आज अगर बात करें तो क्यों ना अपने आप से एक सवाल करें। इतनी सारी बातें जो हो रही हैं, हमसे कहा जाता है, कई लोग इस बात को उठाते भी हैं कि ऐसा क्यों है कि हम कह रहे हैं कि गठबंधन वाली ये जो सरकार है विपक्ष में जो आई है, और ये यदि सरकार बना ले तो ये अच्छी बात हो सकती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने देश की। हमारे देश में इस वक्त आवश्यकता क्या है और क्यों है। देखिए, हम रहते हैं एक लोकतंत्र में। जब हम स्कूल जाते थे, आप जब स्कूल जाते थे, या जो मेरे मित्र हैं अभी पढ़ रहे होंगे, कॉलेज जाते होंगे, या कोई कोर्स कर रहे होंगे, उन्हें आवश्यकता है ये समझने के लिए कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ हमें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं। वे अधिकार हमें एक लोकतंत्र में रहने के लिए दिए गए हैं। तो यदि हमें ये अधिकार दिए गए हैं तो क्या आवश्यकता है कि क्या हम इन अधिकारों का महत्व समझें, क्या हम इनका महत्व समझते हैं, क्या है आखिर। गुड इवनिंग बग्गा जी। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की तो मुझे याद आता है अभी सिलवासा में कल ही हमारे प्रधान सेवक, वही वाले पहले वाले प्रधान सेवक जो आजाद भारत में जन्मे परंतु आजादी भारत को उन्होंने दिलाई, क्योंकि तब से लेकर अब तक भारत में कुछ हुआ ही नहीं था। क्या आप इससे सहमत हैं? तो जब हम बात करते हैं उनकी, तो अभी कल की बात बताती हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कल ही कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने वाले अब एकजुट हो गए हैं, और उनका एक मकसद है कि कैसे वे मोदी जी को हटाएं। तो मोदी जी को ये बताना आवश्यक हो गया है कि ये मोदी जी को हटाने वाली बात जो है, दरअसल ये मोदी जी को हटाना नहीं, मोदी जी की सोच है जिसकी वजह से उनको हटाना आवश्यक हो गया है। आप कहेंगे कि यह आवश्यक क्यों हो गया है? तो ऐसा है कि मोदी जी और अमित शाह जी, वे दोनों इस वक्त सरकार में हैं। सरकार इनसे ही चलती है। जी हाँ, हमारे देश में एक ऐसी अजब गजब सी लोकतंत्र है जिसमें केवल दो व्यक्ति हैं जो राज कर रहे हैं, जो किसी सवाल का जवाब नहीं देते, जो कभी सामने नहीं आते, जिनसे आप कोई सवाल कर सके, वो कोई प्रेस के सवाल नहीं लेते। यदि आप सवाल नहीं लेंगे, यदि आप जवाब देने के लिए अपने दिमाग को मजबूर नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे पहले स्टेप पर हैं फेलियर के सीढ़ी पर। मतलब जो सीढ़ी
लैडर ऑफ सक्सेस कहते हैं, जो आपको ऊपर ले जाती है वही लैडर ऑफ फेलियर हो जाती है। और जब आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो जब सबसे ऊंची ऊंचे वाले रंग पे पहुंचते हैं तो वहां से बस आप नीचे उतरने का चांस रह जाता है। जी जय कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं वो नेहरू जी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यदि नेहरू जी को कॉपी करने की कोशिश करते तो वे आप सबसे मिलते, हम सबसे मिलते। आपको याद रखना चाहिए कि नेहरू जी जो थे वो मेरे सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन हैं। मतलब मैंने ना उन्हें कभी देखा, परंतु जो कुछ उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, बड़ों से सुना है, तो उनका आदर सम्मान करना तो बनता है। दूसरी बात ये है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे ये पता है कि आज हम साइंटिफिकली सोच नहीं सकते थे। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस टू बी थिंकिंग साइंटिफिकली प्रोग्रेसिंग इफ देयर वॉज नो चाचा नेहरू इन आर कंट्री। इफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज नॉट जवाहरलाल नेहरू, वी वुड नॉट हैव ऑल दीज IITs। ही इज द पर्सन हु एनकरेज्ड साइंटिफिक टेम्पर। वे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पढ़े लिखे थे। जी हाँ, पढ़ा लिखा होना आज के ज़माने में कई लोग कहते हैं कि जी डिग्रीज हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, तो देन यू आर एजुकेटेड, तब आप पढ़े लिखे होते। मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ समझदार भी हैं, जो समझते हैं कि देश को क्या चाहिए, हमारे लोगों को क्या चाहिए, लोग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, ये आवश्यकता होती है। इसलिए जो जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी दुनिया के लिए, उन मूल्यों का हम मान नहीं रख रहे, क्योंकि हम उन मूल्यों को अंडरमाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरी तरह की सोच है जो हमारे डिस्कोर्स में आ गई है। मतलब आजकल जो बातचीत चल रही है उसमें जो बातें चल के आ गई हैं वे एक दूसरे प्रकार की बातें हैं। जब हम बात करते हैं अपने समाज को बेहतर बनाने की, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को सशक्त करें, उनको सही शिक्षा दें। केवल किताबों में पढ़ लेने से शिक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। जी हाँ, आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारे बाल नरेंद्र थे ना, जब बचपन में ये चले गए थे माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, बाल नरेंद्र की एक और कहानी सुना देती हूँ आपको। एक बार बचपन में जो ये प्रकट हुए थे बाल नरेंद्र, ये चल पड़े थे ध्यान करने के लिए, इनको आत्मचिंतन करना था। और आज जिस आत्मचिंतन की हम बात करें, उसी आत्मचिंतन से निकल के आया है बहुत कुछ। क्योंकि कहते हैं ना कि समुद्र का मंथन जब होता है तो उसमें बहुत कुछ निकल के आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चीज़ एब्जॉर्ब करेंगे और क्या चीज़ छोड़ देंगे। तो अब बाल नरेंद्र की ये कहानी सुनिए। बाल नरेंद्र जब चल पड़े अपने घर को छोड़कर, जानते हैं उनका घर कहाँ था? वे रहते थे साबरमती के पास। जी हाँ, साबरमती से छोटे छोटे कदमों के साथ नन्हा सा बाल नरेंद्र चल पड़ा और वहाँ से चलते हुए नहीं दिल्ली नहीं पहुँचा। आप सोचेंगे कि चल के गया तो दिल्ली भी आया होगा उसके रास्ते में। नहीं, बाल नरेंद्र के अंदर तो अजब गजब की पावर्स थी, ऐसी एनर्जी थी कि बस क्या बताएं। ये एक अद्भुत बालक थे, अद्भुत बालक जिन्होंने, मैंने आपको वो कहानी बताई थी ना शेषनाग वाली, शेषनाग का सत्यानाश, शेषनाग का सत्यानाश उन्होंने ही किया था। तो उनकी पहले कहानी बता दूं आपको, वे किस प्रकार से हिमालय पहुंचे। हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच जब वे पहुंचे, और वो पहुंचे ऐसे कि चलते हुए नहीं गए, वे हवा में तैरते हुए बस पहुंच गए। कहां से? साबरमती से सीधे माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी थी, बर्फ से घिरी हुई इस चोटी पर बाल नरेंद्र जब पहुंचे तो उन्हें एक अजब सी अनुभूति हुई। वे जानते थे
कि वे एक अद्भुत बालक हैं, उनके पास बहुत ही अलग तरह के पावर्स थे। तो उन्होंने वहां बैठकर, कहां बैठकर, जी हाँ, उसी हिमालय की सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे जाके बैठे और वहां जाकर उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया तो बस ये समझ लीजिए, कोई देव नहीं, कोई देवी नहीं, बस वे ध्यान कर रहे थे और वे स्वयं ही, उनके अंदर ऊर्जा भर गई, उनके अंदर सूर्य की सारी ऊर्जा आ गई, उनके अंदर जल का की जो ऊर्जा बनाने की क्षमता है वो भी उनके अंदर समा गई। बर्फ के बीच में बैठकर जब वे अपने आप को सशक्त महसूस करने लग गए, तब वे धीरे धीरे करके बड़े होने लग गए। अब जब वे वहां बैठे थे ना, तो आपको एक बात बताऊं, आपको पता है एक वार्डनगर रेलवे स्टेशन है, वे वहां पहुंच गए और वहां पर क्या कर रहे थे, वे वहां पर चाय बेचने लगे। जी हाँ, आप सोचिए कि एक बालक अपने परिवार के लिए क्या कुछ कर सकता है। वहां पे वे ध्यान दे रहे थे, पर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपना एक क्लोन भेजा ताकि वे अपने पिताजी की मदद कर सके। और ये था जब वे बच्चे थे, और वार्डनगर रेलवे स्टेशन बना जब वे 23 बरस के थे। तो वो 23 बरस तक कैसे इंतजार करते, इसलिए वे पहले ही उन्होंने एक क्योंकि उनके अंदर तो पावर आ गई थी ना, तो उन्होंने एक बहुत अपनी पावर से एक स्टेशन बना दिया, रेलवे स्टेशन, और उस रेलवे स्टेशन पर वे चाय बेचने लगे। परंतु पता है, आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने बाल नरेन के हाथ की बनी हुई चाय पी थी। उसका भी एक कारण है, जानते हैं क्या, आप बता सकते हैं कि उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है क्योंकि बाल नरेन के अंदर इतनी पावर थी, तो उनकी चाय में भी बहुत ही पावर थी, उसकी तासीर बड़ी गर्म थी, और जिसने भी वो पिया वो हवा हो गया। जी हाँ, मतलब इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने बाल नरेन के हाथ से चाय पी हो। परंतु आज जो हम चाय पीते हैं, क्योंकि चाय का वक्त है, उस चाय में वो वाली ऊर्जा नहीं है। इसीलिए तो देखिए, आप चाय पीते हैं, आपको थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, आप काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मैं भी अभी चाय पी रही हूं, पर मुझे कोई बहुत फर्क नहीं महसूस हो रहा है। अब आप सोचिए कि एक बालक जो हिमालय की चोटी पे बैठा हुआ था, उसने किस प्रकार से चाय बेची जाकर वार्डनगर रेलवे स्टेशन पर जब वो ध्यान लगा रहा था। सो क्लोनिंग जो है ना, यहीं से शुरू हुई। दरअसल क्लोनिंग बाल नरेन ने शुरू करी थी, उन्होंने अपने आप को क्लोन किया और भेज दिया। तो ऐसा ऐसे थे बाल नरेन। क्लोनिंग का मतलब आज के तारीख में लोग बात कर रहे हैं क्लोनिंग के बारे में। आप देखिए, क्लोनिंग हमारे बाल नरेन ने कब किया, जब वे एक छोटे से बालक थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, जब उनके छोटे छोटे पैर थे, छोटे छोटे हाथ थे, ठंड में वे ठिठुरते नहीं थे, ठंड में वो हिमालय की चोटी पर बैठकर बस ध्यान कर रहे थे, और इतनी ऊर्जा उनके अंदर समा गई सूर्य देव की, बरसात की, बर्फ की, हवा की, सबकी ऊर्जा उनमें समा गई। इसीलिए यही कारण है कि आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बाल नरेन के हाथ की चाय पी थी। क्यों? क्योंकि जिसने भी वो चाय पी, उसके अंदर इतनी पावर, इतनी ऊर्जा आ गई कि वो हवा हो गया। तो अब बताती हूं उसके बाद क्या हुआ। बाल नरेन जब वहां पे ध्यान कर रहे थे, तो उनके चारों तरफ स्नो लेपर्ड, बाघ, वो सब आके बस खड़े हो गए, और उन्होंने नमन किया बाल नरेन को, क्योंकि उन्होंने कहा आप महान हैं। परंतु अब आवश्यकता है कि आपने जितना जितनी ज्ञान अर्जित करना था वो आप कर चुके हैं, अब आप जाइए अपने मिशन पर, क्योंकि आपने 125 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत कुछ करना है। दरअसल 125 करोड़ देशवासी नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारे देश में 600 करोड़ लोग रहते हैं। जी हाँ, 125 करोड़ नहीं, 600 करोड़ देशवासी हैं।
और 600 करोड़ देशवासियों से भी ज्यादा लोग हैं, दरअसल हमें ये मालूम नहीं है। ऐसा बाल नरेन अपने प्रेजेंट रूप में उनके मुंह से निकल गया डावोस में, स्विट्जरलैंड में। पर चलिए, वो तो उनके मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, संत महात्मा होते हैं, बस उनका ज्ञान जो है वो अपार होता है, वो कभी कभी हमें मिलता है। खैर, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बाल नरेन चल के आए। फिर से कैसे चल के आए? मैंने आपको बताया ना, पैदल चल के आए, मगर पैर जमीन पे नहीं थे। अब वहां से जब वे वापस चले, तब तो वो हवा में तैरते हुए आए, क्योंकि अब तो पांव जमीन पर पड़ ही नहीं सकते थे उनके। आजकल पांव जमीन पर कईयों के नहीं पड़ते, पर बाल नरेन का तो जो एनर्जी थी उनकी, उस वजह से उनका उनके जो पैर हैं जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, और वो हवा में तैरते हुए, बस घूमते हुए पहुंच गए साबरमती के पास। बाल नरेन जब ध्यान के लिए पहुंचे माउंट एवरेस्ट पर, उन्होंने अपनी ध्यान अपना ध्यान किया और उनके चारों तरफ बाघ आए, स्नो लेपर्ड्स आए, और उन्होंने उनको नमन किया और कहा, आपका मिशन यहाँ हो चुका है, अब आप प्रस्थान करिए, क्योंकि आपको तो 125 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत कुछ करना है। परंतु दरअसल वो 125 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत कुछ नहीं था, वो था जो उन्हें करना था, वो तो था 600 करोड़ देशवासियों के लिए। जी हाँ, 600 करोड़ देशवासियों के लिए उन्हें बहुत कुछ करना था। और वे पहुंच गए कहाँ? वे पहुंच गए साबरमती के पास। और साबरमती के पास जब वे पहुंचे तो उन्हें अपना एक मित्र मिला, वही बचपन वाला मित्र। जी, आप सोचेंगे ये बचपन वाला मित्र भला कौन था? जी, ये बचपन वाला मित्र वही मित्र था जो बचपन में उनका मित्र नहीं था, मगर उनका साथी बनने के लिए ही प्रकट हुआ था। और जब तक बाल नरेन चले गए थे पहाड़ों पर ध्यान करने के लिए, उस वक्त ये मित्र उनके लिए भूमिका तैयार कर रहा था, क्योंकि यह मित्र उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित था। अब देखिए मजेदार चीज हुई क्या। अब ये जो छोटा सा प्यारा सा उनका मित्र था ना, इसने उनके लिए भूमिका क्या तैयार करी, उसने वहां पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। जी हाँ, क्योंकि बाल नरेन ने जो ध्यान लगा के जो ज्ञान अर्जित किया था, उस ज्ञान का कुछ फायदा तो होना था, लोगों के लिए ही तो ज्ञान मिलना था। जी हाँ, कनेक्टिविटी चली गई थी, और ऐसे ही कनेक्टिविटी चली गई थी बाल नरेन और उनके वे मित्र जो बाद में बने विकास पिता। जी हाँ, उनके पुत्र का नाम है विकास। अब देखिए कि क्या हुआ। इस मित्र ने बहुत सारे लोगों को वहां पे इकट्ठा किया, और इन जो ये लोग थे, ये बड़ी बड़ी आस्था के साथ वहां पे इंतजार कर रहे थे कि वे सुने कि क्या कुछ हुआ था बाल नरेन के जीवन में, जब वे गए माउंट एवरेस्ट, जब वे हिमालय की गोद में बैठकर ध्यान लगा रहे थे और उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया। अब हुआ ये कि बाल नरेन के इस मित्र ने सब लोगों को इकट्ठा किया और बाल नरेन का इंट्रोडक्शन दिया। भाई, इंट्रोडक्शन तो देना पड़ता है। अब जो है लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा हुई जी, क्योंकि ये जो है ना, आजाद भारत में पैदा होने वाले वे प्रथम वाले थे जिन्होंने जाके हिमालय में ज्ञान अर्जित किया, और उसके उपरांत वे वापस आए, और फिर वहां से चलते चलते कहां पहुंचे, 600 करोड़ लोगों के ऊपर राज करने। जी हाँ, राज ही करने आए थे। अब हुआ ये कि बाल नरेन जो है, उन्होंने एक कहानी सुनाई, क्योंकि सबने कहा, बताइए कि वहां आपने क्या देखा, आपके साथ क्या हुआ। तो बाल नरेन ने कहा, इसे बड़ी बड़ी हांकना मत समझिएगा, क्योंकि बाल नरेन वो बच्चा था जिसके अंदर बड़ी पावर थी। तो बाल नरेन ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी।
बाल नरेन ने बताया कि किस प्रकार जब वो ध्यान लगा के बैठे हुए थे, उनके चारों तरफ बहुत से बाघ आए और उन बाघों ने उन्हें बताया कि एक हिरन था जिसको मतलब जिसने उसे परेशान किया हुआ था, क्योंकि वह एकदम तेजी से भागता था, उसका कुछ किया नहीं जा सकता था और जो बाघ था उसे शिकार करने में दिक्कत आ रही थी। तो उसने प्रार्थना करी और बाघों के जो देवता थे उन्होंने कहा बस एक ही ऐसा व्यक्ति है, वो अभी बालक है पर उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारी मुश्किल का समाधान ढूंढ लेगा, उसके पास जाओ। इसीलिए वे पहुंचे किसके पास? बाल नरेन के पास। और बाल नरेन ने कहा चिंता मत करो, मैं उस हिरन को अभी ले आऊंगा। और फिर ये कहानी जो है बाल नरेन बता रहे थे उन लोगों को जो वहां इकट्ठे हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बाल नरेन ने बताया, स्वयं बताया कि क्या हुआ था कि वह जब उसने ये कहानी सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि ये तो गलत बात है कि ये जो हिरन है ये इसके हाथ नहीं लग रहा है। तो उसने क्या किया, उसने उठकर वहाँ से वो गया और उसी वक्त वो पहुँच गया उस क्षेत्र में जहाँ पे चहलकदमी कर रहा था ये हिरन जो है ये बेवकूफ बना रहा था। किसको बेवकूफ बना रहा था? जी हाँ, ये बेवकूफ बना रहा था इन बाघों को। तो उसे आया गुस्सा, उसने लिया बाण, और बाण भी कहाँ से आया, बाण उसके पास थोड़ा ही था। उसने बस ये बात बताई बाल नरेन ने, बार बार बता रही हूँ आपको, बाल नरेन ने हवा में से यूं किया तो एक तीर आ गया। फिर उन्होंने कहा अब इस तीर का क्या करूं, फिर उन्होंने एक हाथ से यूं किया और एक कमान भी आ गया। फिर उन्होंने तीर को कमान में डाला और एम किया और ठा, जानते हैं क्या हुआ? जानते हैं, ये बाल नरेन बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूं, जानते हैं क्या हुआ? वो जो तीर था मित्रों, भाइयों बहनों, वो उस हिरन के इस कान से घुसा, इस कान से निकला और घूम के उसके पांव की उंगली में लग गया और हिरन वहीं पे स्तब्ध हो गया। मरा नहीं। क्यों? क्योंकि बाल नरेन ने बताया कि मैंने जब तीर मारा ठाए तो वो तीर गया और सीधा किसके कान से? हिरन के कान से इधर से गया, इधर से निकला और पैर की छोटी उंगली में घुसते हुए, अंगूठे से निकलते हुए श्यू करके गायब हो गया। और फिर बिजली कड़की, क्योंकि वह बाण जो है उसने ही बिजली कड़काई आसमान में ऊपर जाकर, और सब लोग देखते रह गए कि ये क्या हुआ। सारे बाघ लोग नहीं, सारे बाघ और जितने संत महात्मा वहां पे ध्यान लगाए बैठे थे वे भी अचंभित हो गए। उन्होंने भी आसमान की तरफ देखा और कहा ये किसने किया, फिर उसको ढूंढा जिसने ये किया था। और जब उन्होंने बाल नरेन को देखा तो उन्होंने बस नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद किया कि आ गया है वो मसीहा जो अब 600 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक बनके उनकी सेवा करेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, उस बालक ने बताया, जब ये बात बताई ना तो जो लोग सुन रहे थे वे उनकी तरफ ध्यान से देखते रहे क्योंकि गले से हजम नहीं हो रही थी। पर उनके जो वो मित्र थे ना, विकास पिता, विकास के पिता जो बाद में बनते, और ये जो प्रथम वाले थे, इनकी कहानी सुनकर उन्हें भी लगा ये क्या हो गया, इन्होंने तो कहानी में कुछ ज़्यादा ही मिर्च मसाला डाल दिया। उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, सोचिए कैसी भक्ति है, अंधभक्ति क्या इसको कहते हैं।
पर विश्वास उनको भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए उन्होंने इस बात को संभाला, वो जीवन भर यही करना था उन्होंने, उन्होंने उनकी बातों को संभालना था। और उन्होंने किस प्रकार बातों को संभाला, उन्होंने लोगों को बताया कि नहीं, दरअसल जब इन्होंने वो तीर मारा था और वो जब कान से निकला और इधर से निकला, तो क्या हुआ कि अपने पैर की छोटी उंगली से बाल नरेन अपने कान को खुजा रहे थे, तो इस वजह से वो जो तीर यहाँ से निकल के यहाँ गया, वो एक्चुअली में नीचे नहीं गया, वो यहीं पे जो छोटे पांव की उंगली थी ना उसके अंदर घुसी और बड़े वाले अंगूठे से निकलते हुए चली गई। इनको आप क्या कहेंगे, क्या कुछ नाम देना चाहेंगे इनको? जी गप नहीं है, आप क्या कह रहे हैं बिट्टू जी, ये गप नहीं है, ये सच की कहानी है। कहते हैं ना, विश्वास करो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं विश्वास करो तो भगवान भी केवल पत्थर है। विश्वास करिए, यही है वे हमारे प्रथम वाले, जो इतने सुंदर जो इतने बढ़िया वाली बातें करते हैं। अब देखिए कमाल, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये हुआ कि हमारे जो प्रथम वाले वो जो प्रधान सेवक है, उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने जो चीज़ें करी वो मैं आपको यदि बताऊं तो आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि एक बालक में इतनी शक्ति कहाँ से आई। दरअसल आप सोचते होंगे कि आप उस देश के वासी हैं जहां पर आपके केवल केवल 125 करोड़ लोग रहते हैं, 125 करोड़ जो हैं अब बन गए हैं बहुत सारे लोग, अब आपके और मेरे देश में रहते हैं 600 करोड़ लोग। जी हाँ, अब आते हैं इस गठबंधन पे, ये जो गठबंधन बनाया गया, ये गठबंधन क्या है, ये गठबंधन किसने बनाया है, ये गठबंधन क्या कभी सरकार बना पाएगी, ये हमें सोचने की बात ज़रूर है। परंतु ऐसा है कि ये जो गठबंधन है, ये इसके बारे में हमारे प्रधान जो सेवक है वे ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनके विरुद्ध खड़े हो गए हैं, क्योंकि वे गरीब परिवार से आते हैं। और उन्होंने एक और बात कही थी कि लोकतंत्र का गला घोटने वाले इकट्ठा हो गए हैं केवल इसलिए ताकि वे उनको हटा सके। तो उनको बताने की आवश्यकता है कि उनको हटाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जी हाँ, उनको हटाने के लिए कोई कुछ नहीं किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि देश में संविधान का मान हो सके। संविधान हमारे देश का आधार है, ये संविधान हमने स्वयं को दिया है। और आप सबको समझना पड़ेगा कि आज यदि हम भारत में रह रहे हैं तो संविधान के तहत रह रहे हैं, और संविधान से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। ये संविधान हर व्यक्ति के लिए है जो भारत में रहता है, जो भारत हो चुका है मोबिस्तान, लिंचिस्तान, इस भारत की कभी कल्पना भी नहीं करी गई थी जब भारत देश का निर्माण हुआ, जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की बातें आए कि इस धर्म के लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है? ऐसा क्यों है कि जब भी हम कोई भी बात कहते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि आप देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाइए, आप एंटी नेशनल हैं। तो आपको बता दूं कि देश में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार संविधान ने हमें दिया है। यदि ये अधिकार संविधान ने हमें दिया है तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो कहे कि नहीं, आप इस देश में रहने के लायक नहीं है क्योंकि आपने कोई बात की है। देखिए, हमारे देश में कानून है, यदि हम कानून का उल्लंघन करते हैं, यदि हम कोई अवैधानिक चीज़ करते हैं तो हमारे लिए सज़ा का प्रावधान भी है। सज़ा हमें देश का कानून देगा,
परंतु यदि हम सरकार चुनते हैं तो सरकार इसलिए चुनी जाती है ताकि वे हमें एक अच्छी व्यवस्था दें। अब आपको सोचना है कि क्या अच्छी व्यवस्था हमें मिली है। देखिए, अभी हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में यदि आप सोच के देखेंगे तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं, और उन अजीब चीज़ों में आपको एक बात बताऊं कि हमें कहा जाता है कि केवल 5 साल में एक व्यक्ति क्या कर सकता है। शुरुआत में ये कहा गया था कि एक व्यक्ति ऐसा है जो देश की काया पलट कर देगा, देश को बदल देगा, देश में बहुत कुछ ले आएगा और पाकिस्तान को वो एक लेसन देगा। और ये भी कहा था कि ना सिर्फ पाकिस्तान को एक सीख देगा परंतु चाइना को भी लाल आंखें करके दिखा पाएगा। ये लोग कह रहे थे। कौन थे ये लोग? इनको आप अंड भक्त मत कहिएगा, ये अंडा वाले भक्त नहीं है, ये अंध भक्त हैं। जी हाँ, अंड भक्त तो जल्दी से टूट के समझ जाता, उसमें से चूजा निकल आता और भक्ति जो है वो कहीं तो रुकती, परंतु ये तो पूरे के पूरे अंधभक्त है। वो काला वाला चश्मा पहन दिया इन्होंने जिसके आर पार दिखता ही नहीं। इनसे रिक्वेस्ट है कि काला चश्मा ही पहन लीजिए परंतु उसको चेंज कर लीजिए ताकि उसके आर पार दिखे, कुछ काला ही दिखे परंतु कुछ दिखे तो सही। अब देखिए, पहले इन्होंने कहा कि नहीं जी, सब कुछ बदल जाएगा, देखते जाओ, जैसे ही ये आएंगे वैसे ही सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। राजा सांडिल्या जी, आपको बार बार ये क्यों लगता है कि हम गाली दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो कोई गाली नहीं दी किसी को। संविधान में राइट्स के साथ ड्यूटीज भी हैं, बिल्कुल। और ये ड्यूटीज हमारे जो प्रधान सेवक है ना, जो वो पहले वाले प्रधान सेवक है जो आज़ाद भारत में जन्मे परंतु उन्हें आज़ादी का मतलब नहीं पता, जो हर एक की आज़ादी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तानाशाह है, जो अहंकार से भरे हुए हैं, जो देश में चाहते ही नहीं है कि संविधान का रूल हो, जो चाहते हैं कि संविधान बदल सके। जी राजा सांडिल्या जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो जन्मे तो आज़ाद भारत में, पले भी आजाद भारत में, और इसीलिए आज वो वहां पहुंचे हैं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र हमें किसने दिया? ये लोकतंत्र हमारे उन संविधान के रचयिता ने दिया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चाचा नेहरू, लाला लाजपत राय, कितनों के नाम ले लीजिए आप, इन सब ने यही उम्मीद करी थी, यही सपना देखा था कि भारत देश में लोग आज़ादी के साथ सांस लेंगे। ये नहीं सोचा था कि एक फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ये एक दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल 5 साल के अंदर हमें देखना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है और ये बात कोई भी नहीं मानने वाला आपकी। अब जहां तक बात है देख लीजिए, आ गए ये, कितने अटैक हुए पाकिस्तान के पिछले साढ़े चार साल में और कांग्रेस के टेन्योर में कितने हुए, बताइए आप लोग बताइए। ये इस तरह के सवाल जब करते हैं ये अंधभक्त, तो इनसे सवाल करना बनता है। कितने लोग मरे? उड़ी में अटैक नहीं हुआ, कहीं पे पठानकोट में अटैक नहीं हुआ, क्या था ये? आपकी जो सरकार है ये गलत आंकड़े दे रही है, ये कह रही है कि यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ। यहाँ तक कि योगी जी ने भी कहा है कि उनके कार्यकाल में, उनके कार्यकाल जो अभी मार्च में एक सर्टेन पीरियड हो जाएगा 2 साल का, तो उसमें वे कह रहे हैं जी कोई भी दंगा नहीं हुआ। तो क्या हुआ ये बुलंदशहर में, क्या हुआ ये जो सब जगह पे हो रहा है, ये हो क्या रहा है? हम लोग इतने नाराज क्यों हैं? हम लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो हमारे देश में हो रहा है, वो हमें तकलीफ दे रहा है। इसलिए आप इस तरह की बातें तो करिएगा मत। आप कह रहे हैं कि कितने अटैक हुए, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों से बात करना भी समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें। आपको आंकड़े चाहिए क्या? आपको आज मैं आंकड़े दूंगी भी शाम को। जी हाँ, लोकतंत्र को हाईजैक नहीं किया गया है,
लोकतंत्र रह ही नहीं गया है, लोकतंत्र की जगह अब एक तानाशाही व्यवस्था बन गई है। और ये जो तानाशाही व्यवस्था है, ये भी बता दूं आपको कि ये तानाशाही व्यवस्था केवल दो लोगों की तरफ से बना है। ये जो है ये कोई सरकार नहीं है, तानाशाह तो वैसे भी एक ही होता है, चलिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कम से कम दो लोग तो हैं, परंतु एक प्लानर है एक एग्जीक्यूटर है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है, भक्तों से निवेदन है कि जो उन्होंने 5 साल पहले कहा था कि सब कुछ बदल जाएगा 2014 में, जी हमारे मोदी जी आ रहे हैं, वे सब कुछ बदल देंगे, ठीक है जी, इंतजार हुआ। 2015 में उन्होंने कहा वे अभी इंतजार करिए, अभी बहुत वक्त है, अभी तो केवल 1 साल गुजरा, अभी देखिए कि आगे आगे होता है क्या, क्या क्या वे बदलेंगे। और फिर क्या हुआ, जब तक तीसरा साल आया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, उनको समय दीजिए। फिर उसके बाद चौथे वर्ष में अब ये हो गया कि उनको समय भी देने की ज़रूरत है, पर एक व्यक्ति अकेला इतना कुछ कैसे कर सकता है, उनको और वक्त देने की आवश्यकता है। इसलिए अब 5 साल समाप्त होने को आए हैं और अंधभक्त शुरू हो गए हैं कि उनको और वक्त दिया जाए। क्या आपके इस प्रधान सेवक को ये नहीं पता था कि संविधान 5 साल का कार्यकाल देता है? आप मुझे एक चीज बताइए, ये 3,000 रुपए जो लगाए गए हैं, 3,000 करोड़ रुपए की जो ये मूरत बनाई गई सरदार पटेल की, इससे क्या हो गया? कितने बच्चों का इलाज हो गया? कितनी सड़कें बन गई बताइए? और आपका देश में नाम कैसे हो गया? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था, क्या ये कह रहे हैं, लगी रहिए, क्या पता कुछ हो जाए आपसे, देखिए देखते हैं आपसे क्या होता है। आप तो खाली आए हैं ये देखने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूं, क्यों घबराते हैं? हमारे जो प्रधान सेवक है वे बड़े सशक्त व्यक्ति है, उनसे उनके लिए तो कोई डर की कोई बात ही नहीं है। जी हाँ, भक्तों को ब्लॉक खींचे, नहीं नहीं इनकी भी सुन लेते हैं। जय कुमार गुप्ता जी, भक्तगण सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, अब ना टॉलरेट करना मुश्किल हो गया है। वैसे एक बात है कि राजा सांडिल्या जी कम से कम भाषा ठीक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको तो सुन लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि किसी ने कल कहा था कि एक अवार्ड मुझे भी दीजिएगा, आज शाम के अवार्ड्स में हम देंगे अवार्ड्स मीडिया वालों को, क्योंकि हमारे देश की मीडिया जो है आजकल एक अजब गजब तरीके के की का कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसको भी रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, जानते हैं ना, क्योंकि आजकल तो खाली गुणगान, भक्ति और अंधभक्ति, भजन कीर्तन यही चल रहा है, हर टीवी चैनल पे ये चल रहा है। जी जी बिल्कुल, जय कुमार गुप्ता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख ने भी आलोचना की है सरकार की। देखिए ऐसा है, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है उस वो उनके कोई तथ्य नहीं होते, ये सिर्फ बोलते हैं। ये आप मुझे बताइए, आज की तारीख में क्या ये आवश्यक था कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं, वही वाले, वो प्रथम वाले प्रधान सेवक जो आज़ाद भारत में पैदा हुए, परंतु जिनके सारी जिनकी मुश्किलों का कारण केवल एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति कौन है? वे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने परेशान कर दिया इनको, परंतु हुआ ये, भक्त कहते हैं कि 4 साल में बेचारे क्या कर सकते थे। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये कहा जा रहा है, आप मुझे ये चीज़ का बता दीजिए कि ये बात क्यों कही अमित शाह जी ने कि 15 लाख क्या किसी को मिलते हैं, ये तो एक जुमला था। तो क्या जो जब हम प्रधानमंत्री को इस बार सुनेंगे और वे कहेंगे कि ये करेंगे हम देश के लिए, किसानों के लिए ये करेंगे, तो राजा सांडिल्या जी आप और आपके जैसे जितने आपके मित्र हैं, आप लोग ये बताइए कि हम उन पे विश्वास करें या ना करें, आपको बताना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, यदि वे कह देते हैं कि
किसानों के कर्जे माफ करेंगे जो इन्होंने पहले कहा, और जब कांग्रेस की सरकारों ने, स्टेट के जो सरकार है उन्होंने ये करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था 1-to-1 तो किया था उन्होंने अभी जब नया साल शुरू हुआ, क्योंकि वह सिर्फ वो करते हैं। आप मुझे बताइए राजा सांडिल्या जी, भक्तगण कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं आ रहे सामने और सवालों के जवाब दे रहे? ये वन वे ट्रैफिक जो है ना, जो उन्होंने चला रखा है, खाली वन वे, ये क्या बात हुई भला? अरे वन वे में चले जा रहे हैं, कहीं पे तो आप दूसरों की भी सुनेंगे, कहीं पे कोई रोड ऐसा भी मिलता है जब आप वन वे पे जाते हैं जहां पे ट्रैफिक दोनों तरफ से आता है, और लोकतंत्र में तो ट्रैफिक दोनों तरफ से वैसे भी आना चाहिए। अब ये क्या बात हुई जी, आप बोले आपकी मंकी की मन की बात सुने। जी हाँ, मन की बात है या मन की बात है, बस यही सुनते रहे हम तो ये नहीं चलने वाला जी। और राफेल के मामले में अगर वे जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने, उनकी सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को, जवाब दीजिए भक्तगण, जो इतनी बातें आपने बोली है उसका जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि बंद लिफाफे में उन्होंने लिख के ये दिया कि कैग की रिपोर्ट जो है पीएसी को मिल चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए कि इतने बड़े बड़े झूठ वे सुप्रीम कोर्ट को क्यों दे रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जो अभी सीबीआई में हुआ, ये जो खेल हुआ कि सीबीआई को चारों तरफ से घेर लिया, मतलब ये घेरने वाली सरकार है क्या? आप सरकार में हैं और जो स्वायत्त संस्थान है आप उनको कार्य करने दीजिए ना। यहां तक कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कहा है कि जो स्वायत्त संस्थान है उनको अपना कार्य करने दिया जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये प्रावधान जो है आपको समझना पड़ेगा हमारे संविधान में है, और ये जो प्रावधान दिए गए, बनाए गए हैं, ये स्वायत्त संस्थान के ऐसे हैं कि ताकि वे वो सब कुछ कर सके जो वे करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई दबाव बनाए। और जो भी इन स्वायत्त संस्थानों में अपॉइंट किए जाते हैं, ये माना जाता है कि वे डेड ऑनेस्ट होंगे, दे आर सपोज टू बी वेरी अपराइट पीपल एंड डेड ऑनेस्ट पीपल। तो ऐसा क्या हुआ कि जब आलोक वर्मा जी को सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, उसके बाद अचानक इनको तकलीफ हो गई? तो अचानक तकलीफ इसीलिए हुई थी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बात शायद पसंद नहीं आई थी कि प्रशांत भूषण, अरुण शौरी मिलने गए थे सीबीआई डायरेक्टर से, और उन्होंने उनसे मांग की थी कि एक जांच करी जाए राफेल के मामले में, जो ये जो पैसा ऑफसेट पार्टनर रिलायंस को दिया जा रहा था। एक और जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो ये है कि जी हैल जो है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो भक्तगण आप मुझे ये बताइए कि जब हमने सरकार चुनी थी तो हमने किस लिए चुनी थी? कि वे जो है संस्थाओं को ठीक करेंगे, और जो कंपनीज ऑलरेडी ये काम कर रही है तो ये मतलब उनके उनके डर से तो सब कोई काम करने लगते हैं ना, तो उनका डर नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को? क्यों नहीं कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ठीक से काम? परंतु ये आर्ग्यूमेंट जो है ये हजम नहीं होता, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब आप बात करते हैं इस प्रकार के कि नहीं जी ये जो है हैल जो है अपना कार्य ठीक से नहीं करता, तो ये हजम इसलिए नहीं होता क्योंकि आप खुद ही कहते थे कि जब मोदी जी आएंगे तो हर व्यक्ति काम ठीक से करेगा, डरेगा, परंतु ऐसा है नहीं। कोई किसी से डर नहीं रहा, सब कोई अपनी नौकरी बचा रहे हैं, क्योंकि डर से भी कहीं ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ करना है वो इनके लिए करना है। वरना आप मुझे बता दीजिए कि भाजपा आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई, कम से कम भारत की तो सबसे अमीर पार्टी बन ही गई, तो ये कैसे हो गया है आपको ये बताने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 2014 से आज तक जो हमारे प्रधान सेवक हैं, वही वाले प्रधान सेवक जो आज़ाद भारत में पैदा हुए, वे कर क्या रहे हैं? उन्होंने वो सारी हरकतें करी, सारी वो वाली हरकतें करी
ताकि जो विपक्ष है वो एकजुट हो जाए। तो इसकी जिम्मेदारी जो है विपक्ष के एकजुट होने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें, हमारे प्रथम प्रधान सेवक को जो आजाद भारत में पैदा हुए और जो इतने अहंकारी हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कि ये पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। और आजकल आप देखिए संबित पात्रा की आवाज सुनाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चले गए संबित पात्रा हमारे। वो इसीलिए क्योंकि इनकी पार्टी में भी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। यदि हम बात करें महागठबंधन की इस रैली की जो वेस्ट बंगाल में हुई और ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हैरान भी हैं कि ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब देखिए अब हुआ ये है कि लोग बड़े नाराज भी हुए हैं। कुछ लोग नाराज हुए हैं कि जो केजरीवाल हैं वे जाके वहां बैठे जहां पे बहुत सारे और भी नेता हैं जिनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला। लेकिन केजरीवाल ने एक बात कही थी और अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही सेंसिबल बात करी थी। उन्होंने कहा था कि हमें अपने संविधान को बचाना है, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। और संविधान को बचाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम एक संविधान के तहत रहते हैं। और याद रखिएगा कि यदि आपने गलत गलत मताधिकार किया और गलत व्यक्ति को इस बार इलेक्ट किया, क्योंकि देखिए जहां तक इलेक्शन की बात है तो चुनाव तो आप अपने सांसद का करेंगे, परंतु आप जिस भी सांसद का करेंगे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा ये भाजपा को साफ भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो दो व्यक्ति हैं ये अब मंजूर नहीं है। ये भाजपा को भी समझना चाहिए कि भाजपा को भी इन्होंने कमजोर किया है। क्योंकि आवश्यकता सिर्फ ये नहीं है कि आप पावर में आ जाइए, पावर में आप पहले भी थे, पावर में आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी वो भी पावर में आई, वो भी भाजपा की सरकार थी और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सरकार हमें दी थी। तो आवश्यकता है कि आप सिर्फ पावर के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए कि किस प्रकार से यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा क्या बात कह रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात मैंने आपको पहले भी बताई है अपनी पिछली वीडियो में। आप ये समझिए कि उन्होंने ये बात कही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बाद में हूं, मैं भारत की जनता का पहले हूं। और यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो या चुप रहता है तो लोग कहेंगे कि चौकीदार ही चोर है। ये बात किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति ने नहीं की, ये बात कही है शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। तो आवश्यकता है कि हम ये समझें कि हमारे संविधान को खतरा क्या है। यदि यदि ये सरकार दोबारा आती है तो समझना पड़ेगा कि राज्यसभा में जैसे ही इनकी मेजोरिटी आए होगी, यदि ये सरकार में दोबारा आते हैं तो ये होना है, क्योंकि 6 साल होता है वहाँ के सांसदों का कार्यकाल। अब होगा ये कि जैसे ही वहाँ पर इनको मेजोरिटी मिलेगी तो ये बहुत कुछ बदल सकेंगे। अभी जब ये कोई बिल पास करते हैं लोकसभा में तो आसानी से पास कर लेते क्योंकि वहां पे इनको फुल मेजोरिटी प्राप्त है, परंतु जब ये आते हैं आपके राज्यसभा में बिल पहुंचता है तो वहां पे दिक्कत होती है, क्योंकि विपक्ष वहां पे है और अच्छे नंबर्स में है, वहां पे इनकी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन यदि इनको राज्यसभा में मेजॉरिटी मिल गई तो आप ये समझ लीजिए कि ये संविधान को बदलेंगे। मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप सोचेंगे कि मैंने ये बात कहाँ से कह दी। तो आपको एक बात बताऊँ कि ये बात मैंने नहीं कही है। ये बात यदि आप ध्यान से सुने तो एक बार अभी कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा था कि यदि 2019 में भाजपा सरकार बनाती है तो 2050 तक भाजपा को कोई नहीं हटा सकता। यदि ये बात उन्होंने कही तो ये बड़े बड़े ही डेंजरस बोल है, बड़े ही खतरनाक बोल है। क्योंकि
इसका मतलब ही है कि उनकी फुल मेजोरिटी हो जाएगी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और तभी वे संविधान को बदल सकते हैं। संविधान को नहीं बदला जाना चाहिए, आप भी जानते हैं। और यदि संविधान बदला तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कह रही थी ना कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कल जो गठबंधन वाली रैली थी महागठबंधन की, वहां पे उन्होंने कहा था कि इसी बात के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हिटलर ने यही किया था। जब 1931 में वे जर्मनी में चांसलर बने तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान बदल दिया, और संविधान बदलने के साथ साथ उन्होंने चुनाव बंद करवा दिए, चुनाव बंद करवा दिए। इसलिए ये बहुत ही एक डेंजरस सी बात है जो अमित शाह जी कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं उसका मतलब ही है कि अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि संविधान को कैसे बदला जाए। हो सकता है कि उनके दिमाग में चल रहा हो कि एक बार 2019 में यदि हम चुनाव जीत जाएं और हमारी मेजॉरिटी राज्यसभा में हो जाए तो हम संविधान बदल दें और देश को लोकतंत्र से तानाशाही में परिवर्तित कर दें। तो ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, हमें उस परिवर्तन की आवश्यकता है जो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कल इसी महागठबंधन की रैली में अपने एड्रेस में कहा था। उन्होंने कहा था कि एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो मित्रों, आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें और परिवर्तन के रास्ते पे चलें, क्योंकि परिवर्तन यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश का नुकसान होगा। हमें आवश्यकता है कि हम परिवर्तन की ओर जाएं, परंतु परिवर्तन भी कौन सा परिवर्तन, परिवर्तन ऐसा जो देश को एक ढंग का नेतृत्व दे सके। और इस वक्त जितने हमारे नेता हैं, जितने हमारे दल हैं, राजनीतिक दल, उनको भी अपने इंडिविजुअल डिज़ायर से ऊपर उठने की ज़रूरत है ताकि वे एकजुट हो सके। ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, उस व्यक्ति विशेष की सोच के विरुद्ध है, क्योंकि वह व्यक्ति सोचता है कि वह लोगों को ये कहकर कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं बेचारा हूँ, लोगों की सहानुभूति मुझे मिल जाएगी और वे मुझे दोबारा चुन लेंगे। परंतु आप ये मत भूलिए कि ये यू टर्न वाली सरकार है। ये यू टर्न वाली सरकार मैं इनको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए, इन्होंने पाकिस्तान वाले मुद्दे पर यू टर्न किया, इन्होंने चाइना वाले मुद्दे पर यू टर्न किया, इन्होंने हर मुद्दे पर ही यू टर्न किया। क्योंकि जब आधार कार्ड की बात होती थी तो मोदी जी तो उसके बहुत खिलाफ थे, और उसके बाद जीएसटी की जब बात होती थी तब भी वे उसके खिलाफ बोलते थे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये बड़ा परेशान करने वाली है। जब आधार के लिए बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हमारे देश में। और FDI के लिए भी उन्होंने कहा था कि अगर FDI आ जाएगी तो जो छोटे किराने की दुकानें हैं उनका क्या होगा, और FDI का निवेश जो है उन्होंने करवाया। मनरेगा के लिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था, और मुझे याद है क्या अहंकारी व्यक्ति वे लग रहे थे, क्योंकि उस दिन वे ये कह रहे थे कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है और उनकी विफलताओं का जीता जागता सबूत है और वे इसको कभी बंद नहीं करेंगे। और देखिए, जब मैं कह रही हूं कि वो यूटर्न वाली बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने यूटर्न मनरेगा के मैटर में क्या किया। मनरेगा कौन लाया था, कांग्रेस की सरकार। इस मनरेगा में जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का एक प्रतीक है, विफलताओं का एक जीता जागता सबूत है, उन्होंने कहा था ये बात। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनरेगा को एडिशनल जितना पैसा है मनरेगा में उसमें और अधिक पैसा डाला इस स्कीम में। उन्होंने 6,000 84 करोड़ रुपए मनरेगा को एडिशनल फंड दिया है।
आप मुझे बताइए ये किसने शुरुआत करी थी? ये कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत करी थी, पर मैं इस वक्त ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस को क्रेडिट दे रही हूँ। जिस बात की मैं बात कर रही हूँ कि ये यू टर्न कर रही है, इनके अंदर एक नेगेटिविटी है, ये हर वक्त ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, और फिर वापस आते हैं और उस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ बढ़िया है क्योंकि हमने करी। तो आप मुझे बताइए कि हम किस तरह के लोगों को चुन रहे हैं? जब कोई व्यक्ति सरकार में आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि पिछली सरकार ने जो काम किया अच्छे कामों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो पिछली सरकार ने काम ठीक से नहीं किया उन कामों को ठीक से करने के लिए है, ना कि आप भाषणबाजी करते रहें, आप हमेशा इलेक्शन मोड में रहें। हो सकता है कि ये पॉसिबल हो कि जो हमारे प्रथम वाले वो प्रधान सेवक हैं जिन्होंने आज़ाद भारत में जन्म लिया, पर आज़ाद भारत में क्योंकि उन्हें चाय बेचनी पड़ी तो इसलिए उन्हें लगता है कि देश ने उनके साथ उस उम्र में नाइंसाफी करी, और फिर उन्हें लगा कि उन्हें देश को आज़ादी दिलवानी है ताकि वे लोगों को आज़ाद भारत में रहने का मौका दे सके, उस आज़ाद भारत में लोग रह सके जिसमें वे आज़ादी दिलवाएं, ताकि लोग जो हैं हमारे जो नौजवान हैं वे पकौड़ा तल के बेचे, वे चाउमीन की ठेली लगाए, वे चाय बेचे, यही उनकी मंशा है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का आपको मौका मिले तो डेफिनेटली आप बेहद उनको चुन लीजिएगा। परंतु मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसने देश को बांट दिया है, और देखिए कर्नल अरुण शर्मा जी लिखते हैं कि he has divided the country. Yes, Colonel Sharma, I do feel that he has divided the country. And as far as we are concerned, you are right. हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें अपनी फ्रीडम चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, जो आज हमारा संविधान हमें दे रहा है। Yes, you are absolutely correct in saying that he has divided India. चोर चोर चौकीदार चोर है, अंधभक्त का क्या होगा? मैंने सुना है संबित पात्रा का, नहीं नहीं संबित पात्रा ठीक ठाक है बिल्कुल। जी बिल्कुल, असम में जो ये नागरिक अमेंडमेंट बिल है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, इसके बारे में डेफिनेटली एक अलग से हम लोग बात करेंगे और जल्द बात करेंगे इसके बारे में। दिलवर भोरभुआ जी, डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दिस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि हम लोगों को बांट रहे हैं, अपने संसार को कुछ और ही बना दे रहे हैं, और आवश्यकता है कि हम इस तरह के की प्रवृत्ति वाले लोगों को सरकार में लाने के बजाय ये सोचिए। आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सही तरह के का नेतृत्व हमें मिलना चाहिए। परंतु इस वक्त ये हो रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इस तरह की राजनीति से, इस तरह की विभाजन की राजनीति से लोगों को तोड़ तोड़ के वे पावर में आ जाएंगे। तो पावर में आना सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा कि यदि कुछ भी गलत हुआ तो आपको देश के फ्यूचर जेनरेशंस जो है वो भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस तरह के दौर से गुजरेंगे, क्योंकि इतनी तो मुझे उम्मीद है, और इतना उम्मीद क्या, मुझे यकीन है कि हमारा देश जो है हर तरह की विषम परिस्थितियों में से निकल जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल ये नहीं होगी कि हम उसमें से निकल ना सके। परंतु जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं बार बार इस बात पर आ रही हूँ कि जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है, जो हमारे स्वायत्त संस्थान है वे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनकी स्वायत्तता को बनाए रखना, हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बनाए रखना, ये सब संविधान ने प्रावधान किए हैं। संविधान हमें यदि कुछ अधिकार देता है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ भी देते हैं। तो हमारे को आवश्यकता है कि हम अपने जो हमारे राइट्स हैं, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों आर जो हैं, इन दोनों ही आर का ठीक से प्रयोग करें, इनका उपयोग करें, क्योंकि ये देश हमारा है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स में उलझ के रह जाए।
आज की तारीख में हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे नेता हैं वो सब कर रहे हैं जो जिसका जिसकी परमिशन हमारा संविधान नहीं देता, जिसके विरुद्ध खड़ा है हमारा संविधान, क्योंकि हमारा संविधान हमें फ्रीडम देता है, क्योंकि हमारा संविधान हमें सशक्त करने के लिए बना है। ये मजाक के लिए नहीं बना कि आप जब जब चाहें उसको अपने तरीके से जोड़ के तोड़ के मरोड़ कर उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब एक साथ आए और हम अपने देश के संविधान को बचाए। जी, जय कुमार गुप्ता जी ने लिखा है, टीवी पर सुना था मैंने। क्या जी सुना था जी? भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान भाजपाइयों और उनके भक्तों ने ही पहुंचाई है। बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूं कि भक्तगण जो है वे बिल्कुल हिप्नोटाइज से हो रखे, वे अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे, दे आर नॉट अप्लाइंग देयर माइंड। आप मुझे बताइए ना, हम उस देश में रहते हैं जहां हमारे लोगों ने पूरी दुनिया में नाम किया है साइंस में, इतना अच्छा कार्य करते हैं, उनका इतना नाम होता है जब वे बाहर जाते हैं, परंतु आप देखिए किस प्रकार से हमारे अपने देश में किस प्रकार की बातें हो रही हैं। हमारे देश में बात हो रही है कि बत्तख जो है वो क्या बोलते हैं, कीचड़ में से गैस निकाल देता है। हमारे प्रधान सेवक जी ने ये देखा भी है कि किसी ने उन्हें बताया कि चाय कैसे बनाई उस व्यक्ति ने। तो इस तरह की बातों का क्या सेंस है? और मीडिया कहाँ है हमारी? मीडिया नज़र नहीं आती है। तो आज शाम को आपके साथ फिर से जुड़ूंगी, और याद रखिएगा कि हम कुछ अवार्ड्स आज फिर से देने वाले हैं। अपने नॉमिनेशंस तैयार रखिएगा, क्योंकि अब की बार हम अवार्ड्स देंगे मीडिया वालों को। तो सोच के रखिएगा कि किस किस को अवार्ड्स दिए जाने चाहिए। आज के लिए पॉलिटिक्स वालों को छोड़ दें, या हो सकता है कि पॉलिटिकल कुछ लोग हैं जिनको मीडिया में होना चाहिए और मीडिया के कुछ लोग हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता नहीं है? मुझे तो मतलब मुझे कोफ्त होती है टेलीविजन को मतलब खोलने में ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत किया करती थी, और मुझे ये भी पता है कि अगर सरकार बदलेगी तो वो भी पलट जाएंगे, बट आई डोंट वॉन्ट देम टू पलटो ऐसा कि वे अब उनकी तरफ से बोलने लगे। अरे, आपका काम जो है आप वो करिए ना, निष्पक्षता से पत्रकारिता करिए, आप बताइए कि कौन गलत है कौन नहीं। आप एकदम से शुरू हो जाएंगे शब्दों के का प्रयोग ऐसा करेंगे कि आपने डिवाइड कर दिया है सेक्युलर और नॉन सेक्युलर। सेक्युलर बोलते हैं आप, सेक्युलर जो है उनका एक नया नाम दे दिया सेक्युलर कि ये तो सिख है। अरे भाई, जो शब्दों के मतलब है उन मतलबों को मतलब को तो कम से कम मत बदलने की कोशिश करा करिए। जो डिक्शनरी में मतलब है उनको रहने दीजिए। आप हिस्ट्री तो बदल ही रहे हैं, आपके जो ये नेता हैं नाम बदलने की राजनीति, हिस्ट्री बदलने की राजनीति, उनको ये बता दूं कि जो हो चुका है ना वो हो चुका है, अब आप उसको बदल नहीं सकते। इसलिए अपने अपनी सोच को बदलने की कोशिश करिए, थोड़ा प्रोग्रेसिव थिंकिंग करिए, सोचिए कि आप अपने देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इसी मुद्दे पे दोबारा बात होगी आपसे, फिर मुलाकात होगी। अपने नॉमिनेशंस तैयार रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।